मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने विज्ञापन डिस्कस किया था। आई होप सबको समझ में आया होगा विज्ञापन कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। ओके, विज्ञापन का मतलब भी मैंने बताया था, विज्ञापन क्या होता है। ठीक है, पेंसिल से आप लोगों ने विज्ञापन बनाना है, और मैंने बताया था कि बॉक्स में बनाया जाएगा और उसके ऊपर हेडिंग जरूर लिखना होता है विज्ञापन। बॉक्स के बाहर हेडिंग लिखना है विज्ञापन, बॉक्स के अंदर नहीं लिखना। ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, रेज योर हैंड्स जो मुझे बताएगा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। हाँ जी बेटा, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। ऑनलाइन में कोई? यस प्रबलीन, जो शब्द किसी भी चीज के दोष या गुण बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। चीज के व्यक्तियों के नहीं हो सकते। चीज मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, व्यक्ति नहीं हो सकते उसमें। हम चीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। मतलब ऐसे ही ऑनलाइन में खो जाते हैं ना, जैसे ऑफलाइन में खोया हूँ। बाहर नहीं देखना, क्लास में रहो। जैसे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा में चीजें भी हो सकती हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, सर्वनाम में भी सेम। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे किसी भी चीज। एक मैंने आपसे भी पूछा क्रिया, आपने कहा किसी काम में करने या होने को क्रिया कहते हैं, राइट। दूसरा मैंने पूछा विशेषण, आपने कहा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ एक शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का क्या मतलब? ओके, रेज हैंड्स। क्रिया विशेषण, नो वन? ओके, यस अंशिका। क्रिया विशेषण, ओके, हाँ जी जयंत। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे कि काम कब किया गया है, कहाँ किया गया है। दोबारा बताओ। जैसे जैसे कि काम कब किया गया है और कहाँ किया गया है। काम कब किया गया है, काम कहाँ किया गया है, इसके अलावा कुछ और? काम किस प्रकार किया गया है, काम किसने किया है। ओके, फाइन, गुड। क्रिया विशेषण नोट डाउन करो साथ साथ में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर मैं साथ साथ नोट करते जाना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया हम सबको पता है काम का करना या होना। जो शब्द उस काम की विशेषता बताते हैं, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया कौन सी है, क्रिया कौन सी है? दौड़ना, ठीक है, दौड़ता क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। यस मान्या, बोलिए बेटा।
माने आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। टर्न ऑन योर वीडियोस एवरीबॉडी, देयर आर ओनली 4 or 5 वीडियोस आर ऑन, टर्न ऑन योर वीडियोस। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता क्रिया है, ठीक है। दौड़ने की विशेषता क्या है, ठीक, ये दौड़ने की विशेषता। पिताजी कल आए थे, क्रिया कौन सी है, क्रिया आए, कब आए, कल। आने की विशेषता क्या होगी, कल। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नोट डाउन हो गया, चलो आगे। किसी को कोई डाउट, इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट रेज योर हैंड्स, शो थम्स इफ इट इज क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट शो योर थम्स इफ इट इज क्लियर। ओके फाइन गुड, चलिए उसके बाद आगे है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद कितने भेद होते हैं कुछ बताएगा, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं कोई बताएगा, रेज योर हैंड्स अगर पता है किसी को। तीन, चार, आठ, ओके, और कोई कौन कहता है चार भेद, कौन कौन से अंश का, नो, तीन भेद कौन कौन से, क्या बेटा मुझे समझ में नहीं आ, आठ कौन कौन से, आठ भेद कारक के होते हैं, क्रिया विशेषण के नहीं होते, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, नोट करो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नेक्स्ट इज परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अभी जन्म ने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कोई काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का मतलब है भंग, भंग मतलब तरीका, मतलब कैसे कि कोई काम कैसे हो रहा है। अभी हमने एग्जांपल ली थी घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, कैसे हो गया, उसका ढंग है कि वो कैसे दौड़ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज काल, अच्छा काल क्या होता है, समय, टाइम है ना, इसका मतलब कब, कोई काम कब हो रहा है। पिताजी कल आए थे, कब आए थे, आने की क्रिया कब हुई थी, कल, इसलिए कालवाचक। स्थानवाचक, स्थान मतलब जगह,
वही क्रिया कहाँ हो रही है, कहाँ का मतलब हो गया बच्चे आज स्कूल आएंगे, आज हो जाएगा, फिर आज हो जाएगा। ओके मैं आपके एग्जांपल लिख रही हूँ साइड पे, अभी डिस्कस करते हैं। हम जब ये एग्जांपल ये वाला करेंगे पर वाला, फिर मैं आपके एग्जांपल को ले करूँ। कालवाचक हो गया कब, कालवाचक हो गया कहां, कोई क्रिया कहां हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट परिमाणवाचक, परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप तो, ठीक है, मेजरमेंट, परिमाण, मात्रा मतलब कितनी, कोई क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है और कितनी हो रही है। क्लियर, किसे क्लियर है प्रॉपर्टी, चलो आगे, किसी को कोई डाउट बेटा, एनी डाउट रेज योर हैंड्स, अगर कोई डाउट है किसी को, नो, चले आगे। ओके अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले है रीति वाचक क्रिया विशेषण, रीति मतलब धाम, घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज उसका धाम है, ठीक है। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है, बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है, चलना क्या है क्रिया, चलना क्रिया है। अब चलने का ढंग क्या है, कैसे चलती है, धीरे धीरे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भीड़ जितने हैं कौन कौन से हैं, हम उसमें लगाकर देख लेंगे। आपको जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें लिखा होगा कि क्रिया की क्रिया विशेषण शब्द छांटे और भेद होता है, क्रिया विशेषण शब्द छांटे और भेद होता है। आप क्रिया विशेषण शब्द कैसे छांटेंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्रिया की विशेषता कौन, क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द होता है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें चार भेद पता होगा, रीति कि वो क्रिया कैसे हो रही है, वो क्रिया कब हो रही है, कहाँ हो रही है और कितनी हो रही है, ठीक है। जब हमें ये पता होगा तो क्रिया विशेषण शब्द को छांट लेंगे। अब हमें ये पता है ये क्रिया जो है बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलते, चलने का काम धीरे धीरे हो रहा है, समय तो हो नहीं सकता, मात्रा भी नहीं हो सकती है, ठीक है, जगह भी नहीं हो सकती, फिर ये क्या है, ढंग, चलने का ढंग है धीरे। क्लियर, यस वेदांति, वेदांति अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए बेटा। मैम मैंने पूछ रहा था कि क्रिया विशेषण और फिर विशेषण में फर्क क्या हुआ, जैसे कि आपने लिखवाया था घोड़ा तेज दौड़ता है, तो मैम अगर हम विशेषण होता तब भी हम तेज को ही अंडरलाइन करते और क्रिया विशेषण में भी हमने तेज को ही अंडरलाइन किया। अगर मैं कहती हूँ काला घोड़ा तेज दौड़ता है तो फिर काला क्या होगा, वेदांति, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला क्या है बेटा, काला किसकी गुणवाचक विशेषता, किसकी विशेषता है काला होना, घोड़े की, घोड़े की, ठीक है। बूढ़ा घोड़ा धीरे धीरे चलता है, घोड़े की विशेषता कौन सी है, धीरे धीरे या बूढ़ा होना, बूढ़ा, बूढ़ा, और धीरे धीरे किसकी विशेषता है, धीरे धीरे किसके बारे में बता रहा है,
चलने के बारे में। चलने के बारे में, तो चलना क्या है? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता कौन सी हुई? धीरे धीरे। धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या बन गया? क्रिया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ओके। सब सवालों के जवाब आपने खुद दिए बेटा, अब क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर? या और एग्जाम्पल? यस मैम। और एग्जाम्पल नहीं बेटा? समझ आ गया। गुड। और किसी को डाउट इसमें, आप लोगों में से एनीबडी एल्स? किसी और को बेटा इसमें डाउट, विशेषण और क्रिया विशेषण में? विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। घोड़ा संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताइए। काला घोड़ा या बूढ़ा घोड़ा, धीरे धीरे चलना या तेज दौड़ना, दौड़ने और चलने की विशेषता, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस बोलते हैं, यस और नो? यस। ओके, आप में से किसी को कोई डाउट? नो? ओके। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है, बच्चा जोर से रो पड़ा। क्रिया कौन सी है? रोना। क्रिया रोना है, रोने की विशेषता क्या है? जोर से। जोर से क्या होगा? परिमाण, मात्रा है? नहीं है। समय है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्थान है? नहीं। जोर से मतलब किस ढंग से रोया? जोर से। अब जोर से क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इज इट क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया? थम्स शो कर दो अगर हो गया तो प्लीज, मुझे पता चल जाए। ओके, धीरे धीरे, जल्दी, शीघ्र, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, जोर से, इस तरह के शब्द जिनसे हमें पता चले कि कोई क्रिया किस ढंग से हो रही है, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? चले आगे, नोट डाउन हो गया? चलो अगला खेल देते हैं। नेक्स्ट इज कालवाचक रीति विशेषण, क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब समय। कोई क्रिया कब हो रही है, ठीक है? जैसे आपने एग्जांपल बोली थी, बच्चे आज स्कूल आएंगे। आना क्रिया है, आना क्रिया है, ठीक है? बच्चे कब स्कूल आएंगे? आज। अगर आप इसको कहते हैं मैम स्थानवाचक हो गया स्कूल, ठीक है, तो वो स्कूल स्थानवाचक नहीं है, वो संज्ञा शब्द है। स्कूल स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं, स्कूल संज्ञा शब्द, वो भी बताऊंगी कि कैसे, ठीक है? कालवाचक, पिताजी कल आए थे, आने की विशेषता है कल, जिसमें समय बताया, ठीक है? तुम परसों चले जाना, तुम परसों चले जाना, ठीक है? जाना क्या है क्रिया? कब चले जाना? परसों चले जाना। कालवाचक,
समय हूं। अब ना तो ये ढंग है, ना ये परिमाण है, ना ही ये स्थान है। बचा काल, समय। परसों मतलब समय बता रहा है कब चलेगा, तुम परसों चले जा। क्लियर? माता जी अभी आई थी, माता जी अभी आई थी। क्रिया कौन सी है? आई, आना क्रिया है। रेज योर हैंड्स, कौन मुझे बताएगा यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? हाँ जी बेटे, ओके, यस वनिका। मैम अभी, ओके अभी, ठीक है। मान्या अभी क्यों है कालवाचक क्रिया विशेषण? ऋषा अभी कालवाचक क्रिया विशेषण क्यों है? ऋषा अनम्यूट योरसेल्फ। देयर इज सम प्रॉब्लम, आप बताओ बेटे अभी क्यों है, कब आई थी? अभी आई थी, हमें समय का पता चल रहा है, ठीक है। आज, कल, परसों, अभी, सुबह, शाम, रात, दिन, ये सब समय बताते हैं, ओके। इसलिए सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? चले नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट इज स्थानवाचक। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब यह है जब हमें पता चले कि कोई क्रिया कहाँ हो रही है। बच्चे मिलकर बैठे हैं, मिलकर मतलब होता है अंदर, ठीक है। बच्चे भीतर बैठे हैं, अब बैठना हो गया क्रिया, कहाँ बैठे हैं? भीतर बैठे हैं मतलब अंदर बैठे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। चारों ओर देखो, चारों, देखना हो गया क्रिया, विशेषता क्या है कहाँ देखो? तरफ, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, चारों ओर, दाएं, बाएं। दाएं बाएं भी स्थान ही होगा ना। वह मेरी दाईं ओर बैठी थी, बैठना क्रिया, और कहाँ बैठी थी? दाईं ओर। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट एनीबडी? हाँ, जगह हो गई ना, क्योंकि ना तो वो मात्रा है, ना वो ढंग है, ना वो समय, ठीक है। चले आगे, ओके। नेक्स्ट लास्ट है परिमाण वाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा में काम हुआ। जैसे हमने बहुत खाया, हमने बहुत खाया,
खाना क्रिया है, कितना खाया बहुत, ये तो नहीं कहेंगे ना किस ढंग से खाया, कब खाया, कहाँ खाया, नो, बहुत खाया मतलब परिमाण वाचक, कितना खाया। बच्चे खूब हंस रहे थे, हंसना क्रिया, कितना हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कैसे हंस रहे थे, जोर से हंस रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, वो होगा रीति वाचक इस ढंग से, खूब हंस रहे थे मतलब बहुत ज्यादा हंस रहे थे, खूब, बहुत, कम, पर्याप्त, किस तरह के शब्द जो मात्रा के बारे में बताते हैं वो सारे परिमाण वाचक। ठीक है, एक और एग्जांपल, उतना खाओ जितनी आवश्यकता हो, उतना खाओ जितनी आवश्यकता हो, कितनी मात्रा में खाना चाहिए उतना, जितनी उतना खाओ जितनी आवश्यकता हो, परिमाण उतना जितनी। क्लियर, किसी को कोई डाउट? हाँ, तो दोनों बहुत रेयर होते हैं। दोनों अगर किसी सेंटेंस में दो आ जाते हैं, वह परसों खूब हंसा, वह परसों खूब हंसा, ठीक है, अब परसों और खूब दोनों क्रिया विशेषण तो दोनों ही होंगे, परसों हो गया कालवाचक, खूब हो गया परिमाण। क्लियर, एनी डाउट बेटा? नो, ओके, यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स, राइट, और आप लोगों को मैसेज भेजूंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने नोटबुक्स भेजी है चेकिंग के लिए। ओके, थैंक यू बेटा।